नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों कुर्ते की पिछले वीडियो में कंप्लीट कटिंग करी थी बैक सामने, इस वीडियो में हम इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे लिंक मिल जाएंगे वीडियो के, और जो है एंड स्क्रीन से भी आप देख सकते हैं इसके पिछले वीडियो। तो इस वीडियो में हम इसकी कुर्ते की आस्तीन कटिंग करेंगे। तो कुर्ते का जो चेस्ट है वो है 38.5, तो उसके हिसाब से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको हम हटाते हैं और इसकी आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो सिंपल सा हम इसको डबल करेंगे, एक ही बार में दोनों बाजू कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले ये वाला जो निशान है ये हमको लगाना है यहाँ पर, और उसके बाद हम नापेंगे अपना आर मोड़। ये कितना रखना है वो इस वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताते हैं। और इसकी बाजू की लंबाई है 22.5 और इसकी जो मोहरी है यहाँ पर की वो है 10.5। ओके, 38.5 का चौथा भाग करेंगे, 9.5 बना है, 9.5 आधा सूत बना है। आधा सूत से कोई मतलब नहीं, हम हटा देते हैं, 9.5 एक सूत बना है। तो ये तो हो गया 38 का चौथा भाग, ठीक है ना। अब 18.5 इसका तीरा है, 18.5 के आधे करेंगे तो 9.5 एक सूत बना। अब इसको हमको प्लस कर देना है, तो 9 × 2 = 18 और एक सूद और आधा इंच, यानी कि 19 समझ लीजिए। तो 19 को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से निकालते हैं। तो ये कितना बनना, 9.5 में एक सूद कम। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, तो यहाँ पर हम 3 इंच इसको यहाँ पर डाउन करके निशान लगाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर, उसके बाद हम इसको और बढ़ाएंगे और यहाँ पर 9.5 में एक सूत कम निशान यहाँ पर लगाते हैं, और उसके बाद हम गुलाई दे देंगे। अब उसके बाद ये बाजू है 22.5, तो देखिए 22.5 का ये और प्लस इसमें 0.5 इंच का ऊपर का जो मार्जिन है वो, तो यानी कि ये 23 का निशान हमको ये लगा लेना है। ओके, अब नीचे आपको जितना फोल्ड करना हो, तो जैसा कि यहाँ पर जो है हम 1.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं फोल्डिंग के लिए, तुरपाई के लिए। बाजू जो है वो तीन तरीके की बनती है कुर्ते की, एक तो होती है कफ़ की तरह, मतलब कफ़ लगता है वो वाली, एक होती है यहाँ पर जो बटन लगते हैं दो, चाक खुला होता है बाजू में, एक वो बनती है, और दूसरी और तीसरी ये गोल वाली, तो ये गोल वाली बाजू है। उसके बाद हम सीधी मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी जो मोहरी है वो है 10.5, ठीक है ना। 10.5 के जो आधे हुए हैं वो हुए हैं 5.25, ऐसे करके भी आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि ये 10.5 हैं, ऐसे करके देख सकते हैं 10.5 हैं, 10.5 के आधे हुए 5.25। तो ये तो हमारी तैयार आ गई इतनी। ओके, और इसमें प्लस आपको 1 इंची बढ़ती आपको और छोड़ देना है। कभी कभार ऐसा होता है लूजिंग के लिए थोड़ा सा लूज करवाने को हो, या फिर जो है यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना पड़ता है। और ये देखिए बाजू थोड़ी सी हमारी डाउन है, मतलब ये किनारा यहाँ पर देखिए ज़्यादा है छटेगा और इधर साइड में कम छटेगा। तो कपड़ा आपके पास हो तो थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर इससे फिटिंग आपकी सही आती है। ये निशान लगाने के बाद इस तरीके से आप चाहें लगा लें, और दूसरा वाला जो है इस तरीके से चाहें तो ये लगा लें, और अगर आपको थोड़ी सी फिटिंग में चाहिए तो आप इसको ऐसे करके सिलाई लगाएं, ये जो होता है राउंड में, ये देखिए थोड़ी सी फिटिंग में बाजू हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इसको काट सकते हैं। तो हम थोड़ी सी हल्की सी फिटिंग में बाजू कर देते हैं, ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा ढीली नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ढीली उनकी करना है जिनका, अगर लड़के के किसी की नाप ले रहे हैं तो थोड़ी सी हल्की सी मतलब शेप दे देंगे यहाँ पर। आप चाहें तो सीधी सीधी भी काट सकते हैं, चाहें तो शेप भी दे सकते हैं। शेप को लड़का है उसकी बना रहे हैं तो आप शेप दे सकते हैं, अगर किसी की उम्र ज़्यादा है और वो थोड़ा सा लूज पहनता है तो आप सीधी सीधी काट सकते हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं।
उसके बाद एक बार आर्मोर आपको और नाप लेना है, 9.5 में एक सूत कम यहाँ पर आ रहा है। तो ये राउंड वाली हम काट रहे हैं, मतलब हल्की सी सेब है आस्तीन में। तो ये देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कुटका लगाएंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे और ये सीधे एक तरफ, ये देखिए क्रास में है, एक तरफ हमारी सीधी है। तो सीधे वाले में इस तरीके से हमको ये गुलाई में ताल काट देना होता है। तो ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई। अब तो अब हम साइड की पाकेट कटिंग कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ये हमारे पास कपड़ा है जो साइड में बचा था, हमने कहा था काम में आएगा ये, तो ये आ गया। तो इसको सिंपल सा हमने डबल कर लिया, दो पाकेटें चाहिए। इसको डबल करने के बाद आप इसको एक बार और इसको ऐसे करके करेंगे, ये डबल करा है यानी कि दो पाकेटें हम लगाना है। उसके बाद एक बार और इसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए पाकेट की कितनी लंबाई रखना है, मान लीजिए आपकी किसी का छोटा है कुर्ता, तो उसमें कितनी पाकेट की लंबाई रखना है, कितनी कटिंग करना है, ये सारी मैं आपको नाप इसमें समझाता हूँ। तो जैसे कि ये देखिए कुटके लगे हुए हैं पाकेट के, तो यहाँ से हम सबसे पहले और यहाँ तक 1 इंची लगभग इससे ऊपर और यहाँ पर 0.5 इंची नीचे, यहाँ पर आपको निशान लगा के जितना भी मुँह हो उससे ऊपर 1 इंची इस तरीके से नाप लेना। तो देखिए कितना आ रहा, हमारा 7.25 आ रहा है ना, 8 इंच मान लेते हैं। तो इसमें क्या है, ऊपर साइड में पॉकेट में जो फोल्ड होगा तो 0.25 इंच का दबाव जाएगा, तो 8.5 इंच यहाँ पर मान लेते हैं। अब आपको थैला कितना रखना है, थैला रखना है आपको 6 इंच का काटना है, तो 6 इंच एक तरफ, 6 इंच एक तरफ यानी कि 12 इंच, तो 12 इंच वो और 12 इंच का काटेंगे तो वो 6 इंच का थैला रह जाएगा, उसमें 0.5 इंच का मार्जिन हो गया, तो 12.5 इंच, तो 12.5 और 8.5 कितने हुए हमारे, 21 इंच। तो 21 इंच की हमारी पाकेट कटेगी, तो बिल्कुल ही परफेक्ट आएगी। और इसकी चौड़ाई जो है वो हम रखेंगे 3.25 इंच की, इधर साइड में भी 3.25 इंच की चौड़ाई, जो कि ये डबल है तो 6.5 इंच आ जाएगी, बाकी दोनों तरफ दबाव जाएगा तो हमारी 5.5 इंच रह जाएगी चौड़ाई। उसके बाद इस तरीके से निशान लगाना है और 21 इंच की हम पाकेट कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 6.5 इंच का रखेंगे, जो कि 6 इंच का थैला हमारा आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुटका लगा लेते हैं और इधर साइड में हम कर देंगे गुलाई। तो इसको आप सीधा भी कर सकते हैं क्रॉस में इस तरीके से, और चाहें तो आप इसको गुलाई भी दे सकते हैं, तो हम गुलाई में दे देंगे थोड़ा सा। और ये हमारी पाकेट इस तरीके से कुछ आएगी और इतना इतना हमारा ये दब जाएगा मार्जिन, बाकी जो है और इधर साइड में इतना दबेगा और कंप्लीट ये हो जाएगी। 38.5 चेस्ट और 16 कलर में। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, बहुत ही फर्स्ट क्लास बिल्कुल कटिंग यहाँ पर आस्तीन की हुई है। और ये रही कुर्ते की, तो कुर्ते की पूरी कटिंग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं या फिर एंड स्क्रीन भी शो हो रहा होगा तो क्लिक करके आप देख लीजिए।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ये कंप्लीट हो गई बिल्कुल कटिंग, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी सिलाई करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे और पहन के भी मतलब इसको दिखाएंगे कि इसकी फिटिंग कैसी आई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।